करने के लिए हम गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में जाएंगे और www.scilab.org ये टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। तो कुछ इस तरह से साईलैब की हमारी साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये हमारा साईलैब का लोगो है। यहाँ पर ये आपको माउस पॉइंटर जो है वो डाउनलोड ऑप्शन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये डाउनलोड को क्लिक करेंगे हम, डाउनलोड ऑप्शन को, तो कुछ इस तरह से हमारा डिस्प्ले होगा हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पर ये साईलैब 6.1.1 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है साईलैब का, जो कि 16 जुलाई 2021 को रिलीज हुआ है। तो ये यहाँ जाना है हमें साईलैब 6.1.1, और इस पर हमें क्लिक करना है। तो आप देखेंगे ये साईलैब सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना यहाँ स्टार्ट हो चुका है। लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं, 2 से 3 मिनट लग जाते हैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। जल्दी जल्दी ये 2 मिनट के अंदर लगभग ये डाउनलोड हो जाता है। ओके, आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए एक और साइट है www.scilab.in, वहां से भी जाकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम वेट करते हैं, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। 47 अप्रोक्स 40 सेकेंड बचे हुए हैं हमारे पास। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इस साईलैब जो है सॉफ्टवेयर इसको ओपन करेंगे और इसके बाद इसको इंस्टॉल करके फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेन जो है वो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना ही बताऊंगी और इंस्टॉल करना, और उसके बाद के प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये हमारा देख रहे हैं ये साईलैब सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है पूरी तरह से। इसे ओपन करेंगे हम लोग। ओपन करने पे आपको कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पर ये यस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। ओके, ये यहाँ पर लैंग्वेज पूछ रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारा सेट है, यहाँ से इसको ओके करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट ऑप्शन जो है वहां पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। ये हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसका लोकेशन बता रहा है वहां पे, फिर नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर करना है, फिर नेक्स्ट बटन, और इस तरह करते करते फिर ये इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। साईलैब सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, और उसके बाद ये फिनिश बटन जो है उसे क्लिक करेंगे हम। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर साईलैब का लोगो जो है, ये आप देख सकते हैं ये साईलैब का लोगो जो है, ये हमारा आइकन वो हमारा डिस्प्ले कर रहा है डेस्कटॉप पे। अब इस आइकन पे क्या करेंगे हम, डबल क्लिक करेंगे या ये अपने आप ही ओपन हो जाता है। एक बार जब हम लोगों ने पूरी तरह से इंस्टॉल करके फिनिश किया तो ये अपने आप ओपन हो जाता है, तो ठीक है, नहीं तो आइकन पर जाकर डबल क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखेगा साईलैब का प्लेटफॉर्म, विजुअल प्लेटफॉर्म कुछ साईलैब विंडो का कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ओके, अब इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इस विजुअल प्लेटफॉर्म के, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।